सुशांत मामले में अब रिया चक्रवर्ती को लेकर उनके लॉयर सतीश मरशिंदे ने बड़ा खुलासा किया है। रिया चक्रवर्ती के एक फ्रेंड ने ये कहा था कि रिया सुशांत की जिंदगी में आई थी तो सुशांत खुश रहते थे, लेकिन किसी ने कहा कि रिया के आने के बाद सुशांत मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे। अब कहा जा रहा है कि रिया पूरी तरह से तैयार है अरेस्ट होने के लिए। जी हाँ, लॉयर ने 28 वर्षीय रिया चक्रवर्ती को लेकर द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के आगे होने वाले सवालों के बाद ये कह दिया है कि रिया अरेस्ट होने के लिए तैयार है, रिया को गिरफ्तार किया जाए। यानी कि जैसा कि आप जानते ही हैं, एनसीबी ने हेड ऑफिस में बुलाया था रिया को आज सुबह 10:30 बजे, जहां उनसे उनके भाई के अरेस्ट होने के बाद जो कबूलनामे थे उनके भाई के शेमुल मिरांडा और साथ साथ में दीपेश सावंत के खुल कबूलनामे थे, उस पर रिया से सफाई मांगी जा रही है। तो सेंट्रल एजेंसी ने ये इन्वेस्टिगेशन के बाद जो अरेस्ट किया शौवी को, इस पर नई अपडेट आई है। वो ये है कि द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, या यूँ कह लीजिए कि एनसीबी, शेमुल मिरांडा, सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर और जो लोग चार्ज करते थे सेक्शन इसके अंदर एंटी नशीले पदार्थ लॉ को लेकर यहाँ बात कर रहे हैं हम, इसमें रिया चक्रवर्ती को अपनी कस्टडी में ले ले वो ये कह रहे हैं। यानी कि दोनों को कस्टडी में रखा गया बुधवार से, शौविक और सैमुअल को, जिसके बाद दीपेश अरेस्ट हुए। इसके अलावा रागिनी साउथ एक्ट्रेस अरेस्ट हो चुकी है और तो और कई और सेलिब्रिटीज़ हैं इस मामले में सालों तक फंस जाते हैं। याद हो आपको, ममता कुलकर्णी अपने हस्बैंड की वजह से काफ़ी समय तक ट्रॉल हुई और फिर उनकी करियर ख़त्म सी हो गई। तो यह रिया भले ही इस केस में हार माने या ना माने, लेकिन बॉलीवुड में उनकी करियर खत्म के कगार पर उनकी बॉलीवुड की हिट फिल्मों से पहले ही आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह उन्हें उन पर मीडिया ट्रायल किया गया है उसे रोकना नामुमकिन लगने लगा है। गौर करने वाली बात यह है कि उन्हें साल 2019 में रिया सुशांत के साथ लिविंग रिलेशन में उनके अपार्टमेंट में रहने लगी, जिसके बाद रिया जो भी कहती सुशांत उस बात को मान लिया करते थे, कभी उनके खिलाफ नहीं बोला करते थे। लेकिन फिर भी रिया और सुशांत के बीच एक जैसी बातें बिल्कुल नहीं थी। कारण है कि सुशांत को लेकर वो बहुत चिंतित थे अकबर साहब, और उन्होंने खून यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा चर्चा रही है, और इसीलिए हर तरह से प्रयास किया जा रहा है कि रिया को अरेस्ट किया जाए और लोग जो न्याय मांग रहे हैं उन्हें न्याय मिले। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।